औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सेशन टीवी नंबर 7 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू होम विजिट। होम विजिट एक्चुअली क्या है? जब आप किसी कम्युनिटी में किसी फैमिली को टारगेट करके उसकी आप उसके होम विजिट करें और उसकी होम पे जाकर आप उसकी हेल्थ नीड्स को असेस करें और उसके लिए आप जो एज अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या एज अ प्राइमरी हेल्थ केयर नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्स, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स कर रहे हैं प्रिवेंशन, उनको आप प्रिवेंशन कर रहे हैं डिजीज से, उनकी केयर करते हैं और इनकी हेल्थ को फर्दर एनहांस करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो वेन एवर यू आर डूइंग दीज स्टेप्स इन द होम ऑफ द फैमिली, आप जाकर उसकी होम पे उसकी डोर पे उसकी डोर स्टेप पे आप ये स्टेप्स करते हैं तो उसको हम होम विजिट कहते हैं और इट इज द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग to visit any family to their home and work on the prevention of disease, work on the curative services, whatever the rehabilitative services, and to promote their health, enhance their health. Introduction to home visit. A home visit is a family nurse contact which allow health workers to assess the home and family situation in order to provide the necessary nursing care and health related activities. This is the contact between any family and a nurse, where a nurse or any other healthcare professional assess the family situation. The nurse assess and identify the health need, the healthcare needs of the targeted family, and nurse also assess and identify the barriers okay health related activities mein aate hai ya uski health se related barriers hai jo unko healthy states banane se rokte hain, aur jo necessary nursing care hai wo provide karte hain ya health related activities, for example aap wahan jaakar aapne teach karna hota hai, aapne wahan par उनको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, उनकी बेसिक नीड्स पे काम करना होता है, हेल्थ रिलेटेड व्हाटएवर जितने भी एक्टिविटीज है आप जाकर उसके होम पे उसको करते हैं, तो उसको हम होम विजिट कह सकते हैं। इन परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटीज इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर अ प्लान ऑफ विजिट टू मीट द नीड्स ऑफ अ क्लाइंट एंड अचीव द बेस्ट रिजल्ट ऑफ अ डिजायर्ड आउटकम। बिफोर विजिटिंग यू शुड make a pre-plan कि हमने विजिट कैसे करना है, कौन सी फैमिली में जाकर विजिट करनी है। प्री-प्लान में आप टाइम डेट डिसाइड करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनकी जो उनके पास जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको एनलिस्ट करते हैं और उसके हिसाब से आप केयर करते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्री-प्लान करते हैं और इट इज वेरी एसेंशियल टू मेक अ प्री-प्लान फॉर होम विजिट। और जब आप प्री-प्लान करते हैं तो आप इजीली पेशेंट की नीड्स को मीट कर सकते हैं और उसके डिजायर आउटकम को अचीव कर सकते हैं। होम विजिट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। होम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, आप वहां पर मल्टीपल पर्पसेस के लिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप वहां पर उनके जो अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अकर्ड हुए हैं उसकी आप क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या वहां पर अगर रिहैबिलिटेशन की जरूरत है तो आप रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दे सकते हैं। अगर वहां पर कोई डिजीज की पोटेंशियल रिस्क है तो आप लोगों को उन डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई डिजीज वहां पर है लेकिन आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप वहां पर ऐसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ को फर्दर आप एनहांस करें, प्रमोट करें। होम विजिट रिक्वायर्ड, आपके पास नॉलेज होने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर आपके पास होना चाहिए और स्किल होना चाहिए। जब आपके पास
नॉलेज हो, आपके पास प्रिवेंटिव मेजर और स्किल हो, तो आपके होम विजिट बहुत यूजफुल रहता है, इफेक्टिव रहता है। आप सारे जो प्राइमरी हेल्थ की केयर के जो मेन कंपोनेंट्स है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई बैरियर्स टू द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रमोशन में जो मेन बैरियर्स है आपने वो आइडेंटिफाई करने हैं, आपने वो ऑब्जर्व करने हैं। व्हेनेवर यू आर डीलिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग विद द फैमिली, आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है और उसके साथ साथ आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उनके साथ करते हैं, उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप व्हाटएवर फिजिकल बैरियर है, व्हाटएवर एनवायरमेंटल बैरियर है, व्हाटएवर सोशल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, या लैंग्वेज बैरियर है, व्हाटएवर जो बैरियर है, आप नॉन वर्बल प्लस वर्बल कम्युनिकेशन में उस बैरियर को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी बैरियर इन इस फैमिली की हेल्थ प्रमोशन में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आप उस पर फर्दर वर्क आप करते हैं। Community health nurse work with families in different settings, including clinics, school, offices, in the family home. As a community health nurse, you have to work with families in different settings. You have to work with families in clinics. You have to work with families in schools and offices, and also in the family home. So, ye ek essential part hai home visiting. An important aspect of community health nurse role is in promoting the health of population as providing services to individual families in their home. Agar aapki jo important kaam wahan par hai, agar aap ek family mein health promotion kar rahe hain, aap jaakar uski family mein bhi aap health promotion kar sakte hain, agar aap jaakar uski sare cheezon ko assess kare, us pe aap work kare. Objectives of a home visit should be, first of all, आप जब भी होम विजिट करते हैं तो आप असेस करते हैं, और हर एक फॉर्म के लिए असेसमेंट लाजमी है कि आप इसमें आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। जब आपके पास पूरा डेटा आता है असेसमेंट के दौरान, तो आप उसमें फिर प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी हेल्थ नीड्स की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पर नॉलेज डिफिशिएंट है, वहाँ पर उनके पास किसी बीमारी के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि वी शुड वर्क ऑन टीचिंग। हम उसको टीच करें, हम उसको एजुकेट करें, इंस्ट्रक्शन दे दें, तो आप प्रायोरिटाइज करते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। और जो आप प्री प्लेम बनाते हैं नर्सिंग केयर, वही आप जाकर वहाँ पर पेमेंट करते हैं। वो लोगों को अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप ट्रीटमेंट करते हैं, फिर जो आपकी जो प्री प्लान बनाए हैं कि वहां जाकर कौन कौन से ट्रीटमेंट करनी है, या उनकी जो स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर आप एजुकेशन देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है होम विजिट का। और एजुकेशन बहुत लाजमी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कम्युनिटी में होते हैं जिनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, उसमें जो मेन प्रॉब्लम है और जो मेन बैरियर्स होता है वो एजुकेशन की कमी होती है। तो आपने उनको हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से आपने उनको हेल्थ एजुकेशन देना है। और रेफरल, मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर दिया कोई प्रॉब्लम हो, आपके रिसोर्स के हिसाब से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो देन यू शुड रेफर द पेशेंट टू अ टारगेटेड एरिया। मिसाल के तौर पर आप इंटर रेफरल सिस्टम बनाते हैं, आप फिर कैटेगराइज करते हैं सिवियरिटी के हिसाब से कि इस हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इस वाले पेशेंट को हमने कौन से सेक्टर में रेफर करना होता है। अच्छा, होम विजिट के पर्पस क्या होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, असिस्ट द फैमिली एज अ यूनिट, एज अ इंडिविजुअल। आप फैमिली को एज अ यूनिट असिस्ट करते हैं और एज अ इंडिविजुअल असिस्ट करते हैं। तो ऑब्जर्व द फैमिली इन इट्स रियल सिचुएशन एंड एनवायरमेंट। आप जाकर जब होम विजिट करते हैं तो आप फैमिली के उनको रियल सिचुएशन में देखते हैं और उनके एनवायरनमेंट आप असेस करते हैं, आप उनका एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो इन फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है, इनकी रियल सिचुएशन ये है, इस तरह एनवायरनमेंट में ये लोग रह रहे हैं, इनके पास ये वाला पानी आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर उनके पास कोई कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है, तो आप जाकर उस रियल सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं कि इनके पास जो ज्यादातर बीमारी आती है, डिजीज आते हैं, इनके ये एनवायरनमेंट की वजह से। And you should also, the purpose of the home visit is to give teaching and advices in their home environment. आप उनके environment को, आप real situation देखते हैं, उनकी environment को assess करते हैं, उनकी environment को observe करते हैं,
फिर उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप उनको टीचिंग दे रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं कि इस एनवायरनमेंट में आपने किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रिवेंट करना है, अपने फैमिलीज को प्रिवेंट करना है, अपनी कम्युनिटी को प्रिवेंट करना है फ्रॉम द एंडेमिक या कोई इस तरह की डिजीज से या कोई इस तरह की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर अगर वहां पर पानी कंटेमिनेटेड है तो फिर आपको पता है कि यहाँ पर तो यही पानी है, यही इसी पानी की वजह से यहाँ के बहुत सारे फैमिलीज में मसला है, तो आप उनको ये एडवाइस करते हैं कि यू शुड बॉइल वाटर बिफोर यूजेज, बिफोर कंजम्पशन आप वाटर को बॉइल करके पिए तो आप इस तरह की डिजीज से बच सकते हैं। उसी एनवायरमेंट के हिसाब से आपने उनको टीच करना है और उनको एडवाइस देना है। टू गिव ईच फैमिली मेंबर अ चांस टू रेज क्वेश्चन, आप हर एक फैमिली मेंबर को फिर चांस देते हैं कि वो क्वेश्चन रेज करे। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरी फैमिली को होम विजिट पे इंक्लूड करते हैं तो हर एक को चांस मिलता है कि वो अपने हिसाब से क्वेश्चन रेज करे, जो उनकी क्वेरी होता है, उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो सारे आपसे पूछ सकते हैं अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, एंड यू हैव टू आंसर विद जो आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप उसको वेरिड आंसर दे सकते हैं, तो क्लियर आंसर दे सकते हैं जो कि इनकी बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, जो इनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। Our purpose हमारे चाहिए to identify the needs of each family member. Home visit आपको ये काबिल बनाता है, आपको इस enable बनाता है कि आप each family member की needs को identify करें। जब आप each family member को identify करें तो आप सबकी उस पे problem पे काम कर सकते हैं और उसकी needs को fulfill कर सकते हैं। And to observe the nursing care for given sick member at home, और जो लोग बीमार होते हैं, sick होते हैं, उनको आप होम पे ही उसको नर्सिंग केयर दे सकते हैं होम विजिट के दौरान। आइडेंटिफाई हेल्थ हैज़र्ड एंड प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी डेल्ट विद ड्यूरिंग क्लिनिक विजिट, वही हैज़र्ड आप आइडेंटिफाई करते हैं, हेल्थ रिलेटेड हैज़र्ड व्हाटएवर इट मे बी, फिजिकल, एनवायरमेंटल, केमिकल, व्हाटएवर जो भी है, सोशियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वही हैज़र्ड, वही प्रॉब्लम जो कि आप क्लिनिक में इस तरह डील नहीं कर सकते हैं, आप उसको ड्यूरिंग होम विजिट आइडेंटिफाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। And to identify the high-risk family member and refer as needed, or during visit, आप जो family member जो high risk पर होते हैं, उनको आप फिर refer करते हैं, जहाँ पर आप अपनी जो referral system बनाया होता है, उसी के हिसाब से, उसी category के हिसाब से आप उसको जो वहाँ पर need है, वहाँ पर आप refer कर सकते हैं। तो ये home visit की purposes थे। अब advantage क्या रहा है कि home visit के advantage क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो लोग होते हैं, क्लाइंट होते हैं या फैमिली होती है, उनके लिए कन्वीनियंट है, क्योंकि आपने जाकर वहाँ विजिट करनी है, वो नहीं आ रहा है आपके पास, आप जाकर उनकी विजिट करते हैं तो उनके लिए तो बहुत कन्वीनियंट होगी। फैमिली मेंबर विल बी मोर रिलैक्स्ड इन दी रियल सिचुएशन, और उनकी जो रियल सिचुएशन है इसमें फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा रिलैक्स होगी, क्योंकि वो रियल सिचुएशन में अपने प्रॉब्लम को आपके सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं। और क्लाइंट कंट्रोल ऑफ द सेटिंग, और वो सेटिंग जो सेटिंग है वो क्लाइंट कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो उनकी अपने सेटिंग है, आपकी कोई उसमें कंट्रोल नहीं होता है, वो आपने फुल उनको ऑटोनॉमी दी है कि आप किसी भी तरह की क्वेरी रेज कर सकते हैं, आप किसी तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ क्लाइंट विद अनविलिंग और अनेबल टू ट्रैवल, या उन लोगों के लिए जो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी, हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेटिंग की विजिट नहीं करते हैं, या उनकी बिलीफ्स की वजह से, या उनके पास फैसिलिटी नहीं है, या उनके पास इस तरह की कंडीशन है कि उसमें ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। या वो लोग के पास फैसिलिटी नहीं है कि वो हेल्थ केयर सेटिंग में विजिट करें, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या उन लोग कल्चरल वैल्यूज बिलीफ इस तरह बने हैं कि वो लोग ज्यादातर हॉस्पिटल की विजिट नहीं करते हैं और अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व नहीं करते, फर्दर कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है। एंड और एडवांटेज हो सकते हैं, द फैमिली गेन्स मोर कॉन्फिडेंस, उनके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सकती है, एंड देन फ्री टू रेज क्वेश्चन एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, क्योंकि आप उनको जो एनवायरमेंट, उनके ओरिएंटेड एनवायरमेंट आपने बनाया है, तो उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलती है और वो बहुत सारे अपने रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से वो फ्री है, उसके हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ होम विजिट। फिर इसमें फेजेस आते हैं, इसमें पांच फेजेस है होम विजिट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई विजिट बनाते हैं तो सबसे पहला फेज आपका इनिशिएशन होता है,
फिर आपकी प्री विजिट या प्री प्लान जो फेस होता है, उसके बाद एक्टिविटीज ड्यूरिंग विजिट या जो ड्यूरिंग आप होम विजिट के दौरान जो आप एक्टिविटीज करते हैं वो थर्ड स्टेप है. द फोर्थ वन इज टर्मिनेशन फेज एंड द फिफ्थ वन इज पोस्ट विजिट एक्टिविटीज. तो इनिशिएशन फेज में यू हैव टू क्लेरिफाई योर पर्पस कि आपके होम विजिट का पर्पस क्या है, आप क्यों ये विजिट बना रहे हैं, क्या उस फैमिली के लिए वहां जाकर विजिट लाजमी है, क्या वो लोग हेल्थ केयर सेटिंग के लिए नहीं आ रहे, क्या वहां पर ऐसे लोग हैं जहां पर उनकी एनवायरनमेंट, क्या उन लोग की जो एनवायरनमेंट है वहां रियल एनवायरनमेंट देखना आपके लिए लाजमी है, या आप जाकर उनकी रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अगर आपकी पर्पस क्लियर है आप, तो इस फेज में आप ये डिसाइड करते हैं कि हमने विजिट करनी है. And share information and reason in the purpose of home visit. आप जो पर्पस क्या है और आप किस रीजन की वजह से आप जा रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन उनके पास शेयर करते हैं जब वहां पर आप विजिट पर आते हैं. In pre-visit phase, you initiate contact with family. जिस फैमिली को आप टारगेट कर रहे हैं वहां पर विजिट कर रहे हैं, तो आप उस फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट बनाते हैं. यू एस्टेब्लिश शेयर परसेप्शन ऑफ द पर्पस विद फैमिली. जो आप जिस पर्पस के लिए विजिट बना रहे हैं, आप उस फैमिली के साथ वो परसेप्शन, आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं वो आप फैमिली के साथ शेयर करते हैं. एंड डिटरमाइन द फैमिली विलिंगनेस फॉर होम विजिट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है वो फैमिली विलिंगनेस है. अगर वो एग्री है आपके होम विजिट के लिए तो फिर आप विजिट करा सकते हैं. एंड रिव्यू रेफरल ए फैमिली रिकॉर्ड. और आप जो फैमिली रिकॉर्ड है उसको रिव्यू करते हैं, क्योंकि आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेन प्रॉब्लम वहां पर क्या हो सकते हैं, उनके एनवायरमेंटल रिकॉर्ड, उसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उनके मैरिड लोग कितने हैं, इनके मैटरनिटी लोग कितने हैं. तो इसी हिसाब से आप प्री प्लान यहाँ पर करते हैं. आप अपने हिसाब से वो रिसोर्सेज लेकर जाते हैं, अपने साथ कोई दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को साथ लेकर जाते हैं. इसलिए आप उनकी पूरी रिकॉर्ड देखते हैं कि उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कितने वहां पर मेंबर्स है, उसी हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं. तो इस जो प्रीविजिट फेज है उसमें आप फैमिली के साथ म्यूचुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि विजिट कब होगी, किस टाइम होगी, कितने लोग हम आ सकते हैं और कौन से एनवायरमेंटल फिजिकल होगा. फैमिली जो आप स्टेटस देखते हैं इस हिसाब से आप उनकी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, उस हिसाब से आप रिसोर्सेज लेकर जाते हैं, उस हिसाब से आप अपने साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल लेकर जाते हैं. जब आप विजिट के लिए जाते हैं तो विजिट के दौरान यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपने ट्रस्ट डेवलप करती है. और ट्रस्ट डेवलप करने के बहुत सारे स्किल्स होते हैं कि आप फैमिली मेंबर को आप उनके साथ अच्छे वे में कम्युनिकेशन करें और उनको आप रियल स्टोरीज बताएं. तो अगर आप उनके साथ आप ट्रुथ सच आप हमेशा सच बोले तो आपके साथ ट्रस्ट डेवलप हो सकती है. और इसमें आप नर्स और क्लाइंट की रिलेशनशिप बनती है. और आपने जो प्री प्लानिंग में जो चीजें बनाए हुए रहते हैं कि हमने वहां जाकर ये वाला हमने प्रिवेंशन मेजर लेने हैं, हमने वहां जाकर ये टीचिंग करनी है, या हमने जाकर वहां नर्सिंग सर्विसेज देने हैं, हमने वहां जाकर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज देने हैं. वही चीजें आप जो प्री प्लानिंग में या प्री विजिट में आपने बनाए थे वो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं. उसके बाद आपकी टर्मिनेशन फेज, आप अपनी विजिट को रिव्यू करते हैं और फ्यूचर विजिट के लिए प्लान करते हैं. लेकिन टर्मिनेशन फेज में आप कैसे अपने जो विजिट है उसको कैसे आप टर्मिनेट करते हैं, आप अपनी जो विजिट के दौरान जो एक्टिविटीज है उसको आप समराइज करते हैं, या फैमिली मेंबर से आप क्वेश्चन करते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है रिलेटेड टू इस विजिट के लिए. तो ये दोनों जो स्टेप्स आप उठाते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को, अपने विजिट को आप खत्म कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं. फिर जब आप वापस आते हैं तो आपने जो विजिट है वो आप रिकॉर्ड करके अपने पास करते हैं कि हमारे प्री प्लानिंग क्या थी और हमारी विजिट ड्यूरिंग विजिट एक्टिविटी क्या थी और हमने बाकी कौन कौन से प्रॉब्लम्स को असेस किए, कौन कौन से प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर दिए, कौन कौन से बैरियर्स थे वहां पर, कौन से एनवायरमेंटल चैलेंजेस थे वहां पर, वो सारी चीजें आप अपने पास रिकॉर्ड करते हैं. और फिर आपके पास जो प्रॉब्लम आते हैं उसको आप प्रायोरिटाइज करते हैं और नेक्स्ट विजिट के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट विजिट में जाकर हमने मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई कर दिए थे कि उस विजिट के दौरान आपके लिए मुमकिन नहीं था, तो नेक्स्ट विजिट में आप उसी प्रॉब्लम के हिसाब से प्लानिंग बनाते हैं और उसी प्रॉब्लम को आप जाकर वहां पर सोल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं.
principle of the home visit should be planned and fruitful to patient. हमेशा planning होनी चाहिए आपकी और हमेशा beneficial होना चाहिए patient के लिए. Purpose clear होना चाहिए कि इसमें आप patient की needs को meet करें और इसमें आपने maternal और child health को target करना है. ये बहुत important चीज है कि आपने maternal child health को यहाँ पर include करना है और टीचिंग जरूर करनी है, क्योंकि जब भी आप होम विजिट बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है लोगों में वो नॉलेज की होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है, तो टीचिंग लाजमी होता है और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे आपने ज्यादा फोकस करना है. इट शुड बी रेगुलर एंड फ्लेक्सिबल. आप विजिट रेगुलर बनाए कि लोगों की जो बिहेवियर में चेंजेस आई है, मॉडिफिकेशन आई है, वो परमानेंट हो जाए. या एक चीज आप वहां पर कहें तो फॉलो जरूरी है कि आप कितनी वहां पर लोग उस पर अमल शुरू कर दिया है. और फ्लेक्सिबल इसलिए होना चाहिए, मिसाल के तौर पर आप होम विजिट बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी चैलेंजेस, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी नीड्स, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है, कम्युनिटी के जो एनवायरमेंट है, उसके हिसाब से आप फ्लेक्सिबल बनाएं. उस टाइमिंग के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, वट एवर जो उनकी चैलेंजेस है उसी के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल बनाए. किसी भी टाइम आप चेंजेस को कर सकते हैं. इट शुड बी एजुकेटिव पर्पज के लिए होना चाहिए. And it should give opportunities to nurses to demo a hygienic principle. अब जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आप demonstration कराते हैं, लोगों को तरीकाकार सिखाते हैं. And it should be convenient, acceptable, and educative. ये convenient होना चाहिए क्योंकि आप ऐसी जगह पर वहाँ पर information arrange करें कि लोगों के लिए convenient हो और ये acceptable हो. और ये चीज़ें सारे आप प्री विजिट में आप मरीज फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, उनके उनसे कंसर्न लेते हैं और उनके साथ पर्पस शेयर करते हैं. तो ये सारे अगर आप उस स्टेप से चलते हैं तो आप सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करते रहते हैं. लेकिन जो मेन इश्यूज आते हैं होम विजिट के साथ, क्या क्या हो सकते हैं? होम विजिट नीड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम. होम विजिट के लिए आपने जाना पड़ता है, आपने उस वहां पर एक कम्युनिटी की विजिट करनी है, आपने बहुत सारे फैमिलीज को टारगेट करना है. तो आप जहाँ वहां पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे टाइम लगेगी, आपकी बहुत सारी एनर्जी लगेगी. तो अगर आपके पास टाइम की कमी है और एनर्जी की कमी है, बहुत सारे लोग के साथ हो सकती है, तो ये आपके होम विजिट के साथ इश्यू हो सकती है. अनफॉर्चुनेट इवेंट, बहुत सारे इवेंट आप अगर प्री प्लानिंग बनाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर ऐसे इवेंट आपके साथ आते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो उसको हम अनफॉर्चुनेट इवेंट कह सकते हैं. नॉन एक्सेप्टेंस, बाज फैमिली होम विजिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को आपने घर में आने नहीं देते हैं, ये भी एक इशू है होम विजिट के साथ. और प्रॉब्लम आप लोकल लैंग्वेज, अगर आपको लोकल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग में और कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है, आप सही तरह अंडरस्टैंड नहीं करें, तो ये भी एक होम विजिट के साथ एक बहुत बड़ा इशू है. रोल कन्फ्यूजन भी बहुत बड़ा इशू है होम विजिट के साथ. अपना रोल को आप वो नहीं पहचानते कि लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर आप वहाँ जाकर आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो अगर आप उसी तरीके से वो अपने रोल को परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये रोल कन्फ्यूजन हो सकती है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड एज वेल एज फॉर फैमिली मेंबर. अच्छा, जब आप होम विजिट करते हैं तो तीन मेन चीजें आप वहाँ पर, तीन मेन कॉमन इंटरवेंशन वहाँ पर करते हैं. तीन मेन कॉमन इंटरवेंशन में सबसे पहले जो आप करते हैं कि आप फैमिलीज को जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से उनको जो हेल्थ स्ट्रेस डेवलप हुई है, आप उस स्ट्रेस को डील करने में आप हेल्प करते हैं. क्योंकि क्रॉनिक इलनेस जो क्रिएट करती है फैमिली मेंबर में वो स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेस को आप अगर आपके स्ट्रेस के लिए आप उनके हेल्प करते हैं तो ये मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन है जब आप मेजर करते हैं. सेकेंड नंबर पर आप मेकिंग रेफरल बाय कम्युनिटी सर्विसेज करते हैं. आप जहाँ वहाँ पर जाते हैं तो आप इस तरह के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो आप एट होम आप डील नहीं कर सकते हैं. तो ज्यादातर आप क्या करते हैं, रेफर सिस्टम एंड अपनी इंटर रेफरल सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज, आप मरीज को अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबिलिटी आप रेफर करते हैं. और थर्ड नंबर पर हमेशा जो मेन कॉमन इंटरवेंशन है होम विजिट में वो टीचिंग होती है. तो आप जब भी टीचिंग कर रहे हैं तो आप फोकस करें कि आप उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करें rather than their weakness. अगर आप इनसे तीन कॉमन इंटरवेंशन जहां पर भी आप होम विजिट बनाते हैं, तीन कॉमन इंटरवेंशन ज्यादा कॉमन इंटरवेंशन है होम विजिट में, तो आप तीन इन तीन कॉमन इंटरवेंशन के लिए आपने प्री प्लान जरूर बनाई होती है, क्योंकि ये तीनों प्रॉब्लम किसी भी फैमिली के साथ ज्यादातर आकर हो सकते हैं. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ.